तो हाँ जी, आज लास्ट राइट है। तो कल मेरा पेपर है प्रोग्रामिंग का, C++ का, और ये पिछली रात है जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लगभग रात के 12 बज गए हैं पढ़ते पढ़ते। अभी बंद करके रखी है पढ़ाई, सुबह पेपर है तो अब सो जाता हूँ, क्योंकि भाई सुबह 10 बजे से पेपर है तो तैयार भी होना पड़ेगा ना। तो मैं मिलता हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग, तैयार हो चुका हूँ। सुबह के लगभग भाई 9:30 बज रहे हैं, 9:24 हो रहे हैं, लगभग 6 मिनट हैं अभी 9:30 बजे में, और अपना पेपर है 10 बजे से, तो लगभग मैं 9:45 भी चला जाऊँगा कॉलेज में। आज लगभग काफ़ी दिन बाद भाई ड्रेस पहनी है, लगभग 1-1.5 महीना हो गया होगा उसके बाद ड्रेस पहनी है। अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, तीनों चीज़ रख ली है, बस अब रेडी हूँ निकलने के लिए। बाय बाय जा रहा हूँ मैं। आज अपना पहला एग्जाम है सेमेस्टर 3 का, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। चलो भाई टाटा, बाय 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 बाय। हे व्हाट इज अप एवरीवन, कैसे हो आप सब? और मैं भी भाई बढ़िया हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह पहन के कहाँ जाने की तैयारी में हूँ, तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा मैं जा रहा हूँ घर पे वापस। और घर पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा है ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट, के बाद अपना बन जाएगा लाइसेंस, तो मेरे को जाना पड़ेगा। आज तारीख है 2 मार्च है, 4 मार्च को मेरा टेस्ट है, तो लगभग दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, तो चलते हैं जल्दी से, क्योंकि भाई और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना बैग वगैरह हमने पूरा पहले ही सेटअप कर लिया था, ये रहा, तो जस्ट लेट्स गो। चलो जी माता जी, बाय बाय। इतनी हार्श लाइट, मेरा मास्क तो दे दो, ये इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में, इसके बगैर निकलोगे तो ऐसी तैसी कर देगी दुनिया तुम्हारी। एक्सपोजर मेंटेन करना कैमरे के लिए दिन ब दिन डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, पता नहीं कैमरे में दिक्कत है या फिर जो मैंने कलर कॉन्ट्रास्ट इस वक्त वेयर कर रखा है, ऊपर ये फिरोजी रंग की कैप है और ब्लैक कलर का मास्क है, उसकी वजह से शायद ये थोड़ा डिफरेंट हो पा रहा है। पीछे लाइट भी आ रही है ना। ये मार्केट एरिया है मेरे घर के पास का, यहाँ से भाई 2-3 मिनट वॉक करने के बाद मेरे को ऑटो मिलेगा। मोहन नगर के स्टैंड पे आके अब भाई यहाँ से लेनी है मेरे को बिजनौर की रोडवेज बस, मिलेगी तो डायरेक्ट ठीक है, नहीं तो मेरठ से भी जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आई है एक मेरठ की बस, आई है पीछे, थोड़ी देर वेट करते हैं, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी किसी मेरठ वाली बस में चला जाएंगे। तो फाइनली घर पहुंच गया हूँ। बीच में थोड़ा बहुत मैं व्लॉग मतलब बहुत ही कम कर पाया हूँ, क्योंकि यार एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से मेरठ से जो बस मिली है उस बस में भाई मेरे को सीट नहीं मिली, खड़े होकर आना पड़ा है, वो भी इतनी ज़्यादा भीड़ में, तो व्लॉग का तो भाई कोई चांस ही नहीं था उस भीड़ के अंदर। अभी पहुँचा हूँ, बैग वगैरह रखते हैं, पानी पीते हैं, भाई उसके बाद बात करता हूँ। तो भैया आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि मैं हूँ भाई एक चाय लवर, तो भाई इतने मतलब 104 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद चाय की तो नीड़ मेरे को होनी ही थी, लाजमी बात है। तो अब चल के ज़रा बनाते हैं अपने लिए एक कप चाय, बिल्कुल साफ रसोई है, बिल्कुल साफ। मम्मी आई थी पिछली बार, मम्मी साफ करके गई थी अच्छे से बिल्कुल, तो मैं भी ऐसे ही अच्छी साफ करके छोड़ के जाऊंगा। चायदान मेरे को मिल नहीं रहा, तो पतीले बनानी पड़ेगा इसमें भगोने में, ठीक है। या लाइट जले रहने देते हैं, टीवी देखते देखते आनंद लेते हैं अपनी चाय का। ये सेटअप फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस सेटअप में भाई और कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा एक सेटअप किस तरीके का है। मैं ज़रा अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे की मदद से आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो कुछ सेटअप ऐसा है ये, जस्ट भाई मैंने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, नथिंग एल्स, और ये ही काफ़ी अच्छी ऑडियो और एज वेल एज वीडियो अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है विद अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ वाइड एंगल व्यू, नॉट एज मच एज आई कैन गेट ऑन
सेल्फिस्टिक बट इट्स गुड, इट्स रीजनेबल। ओके सो इट इज डे 3। और कल भाई बहुत ही ज्यादा इतना सब व्लॉग भी नहीं हुआ था, बस एक दो क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर पाया हूँ। तो कल मैं गया था भाई गन्ना बोवाने के लिए, तो उसमें भाई पूरा दिन लग गया। सुबह 7 बजे से शाम के हमको 4 साढ़े 4 बज गए थे आई थिंक सो। उसके बाद फिर मेरे को जाना पड़ा पुलिस स्टेशन अपने पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए। और आज सुबह यानी कि 4 मार्च को मुझे जाना है अपना ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए, जो कि मैंने भाई फॉर्म भर रखा है लगभग अक्टूबर से, और अब आके मेरे को अपॉइंटमेंट ली है। तो अब मेरे को जाना है अपनी अपॉइंटमेंट पे और देना है भाई, जिस तरह से भी टेस्ट वगैरह लेते हैं वो। तो अभी मैं फिलहाल रेडी हो गया हूँ जाने के लिए। मेरी अपॉइंटमेंट है 11:30 की आई थिंक सो, 11:30-12 के आसपास की एक बार। तो अभी मैं 1 घंटा लेके चल रहा हूँ वहाँ से, एक्स्ट्रा मतलब आधा घंटा लेके चल रहा हूँ, 1.5 घंटे बाद हम होंगे। तो लेट्स गो, फिर चलते हैं सीधा, क्योंकि भाई मुजफ्फरनगर जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि RTO हमारा मुजफ्फरनगर ही पड़ता है, तो मेरे को वहीं जाना पड़ेगा ऑफिस में उसके। स्कूल्स भी खुल चुके हैं बच्चों के वापस से, काफ़ी टाइम बाद खुले हैं पर खुल गए। लगभग 2 साल इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए, 20-21 2022 चल रहा है, तो 20 और 21 साल, 2020 और 21 सही बच्चों के लगभग छुट्टियों में ही निकले हैं मोस्टली। अभी भाई मुजफ्फरनगर बाईपास पे उतर चुका हूँ, और अब यहाँ से मुझे जाना है दूसरे बाईपास भूपे वाली साइड में। देखते हैं भाई लिफ्ट वगैरह लेके चलते हैं सीधा, क्योंकि इधर से कोई बस वगैरह तो है नहीं जो मेरे को लेके जा सके, तो लिफ्ट वगैरह लेके ही जाना पड़ेगा आज। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. क्या कहता है भाई, कट्टे तो तुम्हारे बाद मिल जाओगे भाई, वहाँ चाहिए तू करना भाई, वहाँ तो मैं पूछ लूँगा। सालों ने मिर्जापुरी समझ रखा है इसको, तो भाई 1000 रुपये में कट्टा मिलेगा है। इंसान कितना टाइम लगाता है दवाई लेने में, इतना टाइम का ही लगाते हो। मैं भी मैं तो सही कर रहा, पर्चे दे रखा भाई मैंने तो। ये गलियां जहाँ पे मैं बचपन में भाई घूमा करता था, In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. अब जा रहा हूँ भाई बस स्टैंड सीधा घर। क्या नहीं? हाँ? भाई अब पहुंच चुका हूँ फाइनली घर यार। सुबह 10 बजे का निकला हुआ हूँ, 6:10 पे पहुंचा हूँ। तो मेरे को हो चुके हैं 6-8 घंटे घर से निकले हुए। तो भाई जरा घर में जाता हूँ, चाय वगैरह बना के पीता हूँ, क्योंकि भाई सर में दर्द हल्का हल्का हो रहा है, बहुत हल्का हल्का। तो इसको भी चाय भी कंट्रोल कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप चाय लवर हो तो आपको बताऊंगा कि हम गोली की सर के दर्द की दवाई नहीं खाते, हम चाय पी लेते हैं, उससे सर का दर्द फिनिश। Singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah.